राज जया सुनो, यहाँ तपस्या के बारे में कितना अच्छा लिखा है। हाँ दीदी। भगवान महावीर कहते हैं तप से आत्मा शुद्ध होती है। तप का अर्थ क्या है इसे समझना आवश्यक है। यदि हमें मक्खन से घी बनाना है तो सीधे ही उसे आंच पर नहीं रख देते, उसे किसी बर्तन में डालना होगा। यह उद्देश्य बर्तन को तपाना नहीं है बल्कि मक्खन को तपाकर उसे शुद्ध करना है। इसी तरह आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इंद्रिय विजेता ही सच्चा तपस्वी है। वाह दीदी, क्या खूब लिखा है। दीदी, तपस्या कितनी मुश्किल होती है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी आपने मास्क में कैसे कर लिया इतनी आसानी से वो भी। हाँ तपस्या बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जिसके पास देव गुरु और धर्म का साथ हो वो तपस्या बहुत आसानी से कर सकता है। हाँ दीदी वो तो है। परम पूज्य प्रवीण कंवर जी महाराज साहब पहले बेले बेले की तपस्या करते थे, एकांतर करते थे। उसके बाद उन्होंने 3, 4 और अब तो वो बछोले का एकांतर कर रहे हैं। धन्य है उन्हें। जिसके साथ देव गुरु धर्म की कृपा हो वो इतना तो कर ही सकता है। धन्य है उन्हें। हाँ दीदी मैं भी करूँ क्या एकांतर। रहने दे, तू तो रहने ही दे, तुझसे कुछ भी नहीं होगा। तुझे मूवी केयर का भी करना है, ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है, मेरी किट में हेल्प भी करनी है, और पापा की भी हेल्प करनी है, और एकांतर भी क्या क्या करेगी। हाँ तू तो सही बोल रही है, तो फिर मैं वास का एकांतर ना करके एकाशनिक का एकांतर करूँ क्या दीदी। जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। ठीक है, अब मैं मम्मी पापा और दादी से आज्ञा लेकर आती हूँ। जया को सभी से परमिशन मिल गई। उसने मोदी केयर का काम, पापा की हेल्प और केक बनाने में राज की भी हेल्प की। देखते ही देखते एक साल बीत गया। हाँ किरण भाभी, मैं आपका ऑर्डर भिजवा जया धन्य है तुझे, 13 महीनों की कठिन तपस्या तूने कितनी आसानी से कर ली। और तेरा वेट भी कम हो गया, पर तेरे बाल बढ़ गए। अरे वो तो दृष्टि जी मार्शल के दर्शन नहीं हो इसीलिए, वरना मेरे बाल तो छोटे ही होते हमेशा की तरह। हाँ जया अच्छा है जो तूने एकांतर करने की ठानी। इस तरह जया दीदी ने गुरु कृपा से, घर वालों के सपोर्ट से 13 महीने की कठिन वर्षी तप कंप्लीट किया। हम भी जया दीदी आपकी तरह ऐसा महान तप करना चाहते हैं। आप भी हमको यह तप करने में सपोर्ट ज़रूर करना। इस तपस्या की अनुमोदना में हम तीनों कुछ बोलना चाहते हैं। आओ सब करें तपस्वी का अभिनंदन। तपस्वी को करते हैं हम सब नमन। तप से होती है कर्म निर्जरा, करते हैं भाव भाव के बंधन। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। ड्रामा में कुछ उल्टा सीधा हंसी मजाक हुआ हो तो खमत खामना।